Hello everyone, so welcome back to my channel. So in this video we will see a trick to multiply any number with 25. So kitna bhi bada se bada number ho, hum usko 25 se fatafat multiply kar dete hain. Kaise? Jo number hai usko pehle 4 se divide kar lo. Jaise 36 divided by 4 is 9. Aur fir kya karo, piche 2 zeros dal do. Just ye hamara answer aa gaya. Kya karna hai, number ko 4 se divide karna hai, then piche 2 zeros dalne. 152 divided by 4 is 38 and पीछे करना two zeros डाल देनी है. अब ये तो सही है कि जो number को हम 4 से divide करके कर लेंगे, पर अब जो number जब 4 से divide होते हैं उनको pointों में answer आता है, तो उसको कैसे करें? अब जैसे 155 है, इसको जब हम 4 से divide करेंगे इसका answer आएगा 38.75. इसका answer आएगा 38.75. तो हमें क्या करना है, जैसे इसका पॉइंट हटा देना, ये हमारा आंसर आ जाएगा. ऐसे ही 17 भी पॉइंटों में आता है, जब हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 4.25. तो इसको पॉइंट हटा दो, यही हमारा आंसर रहेगा. ओके, एक और देख लेते हैं आप. 18 into 25, अगर हमें 18 into 25 करना है तो इसमें अब जब हम 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4.5. तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद हमेशा टू डिजिट्स रखेंगे, तो यहाँ पे अगर कोई डिजिट नहीं है तो हम जीरो डाल देंगे और ये ऐसे ही हमारा आंसर हो जाएगा. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. अगर किसी के फोर से डिवाइड करने से वो नंबर पूरा पूरा आता है तो उसके पीछे हम टू जीरो डाल देंगे. अगर फोर के साथ वो नंबर डिवाइड करने में पॉइंटों में आंसर आता है तो हम पॉइंट हटा देंगे और पीछे टू डिजिट रखेंगे. हमेशा पॉइंट के बाद टू डिजिट आने चाहिए. अगर किसी के टू डिजिट नहीं आते तो हम पीछे अपने आप से ज़ीरो डाल देंगे. सो इफ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.